संविदा शिक्षक बनाए जाने की मांग को लेकर जिले के अतिथि शिक्षकों ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में झाड़ू लगाकर कचरा उठाया और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले जिले की सैकड़ों अतिथि शिक्षकों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध जाहिर करते हुए तहसीलदार अजय हिंगे को एक ज्ञापन सौंपा है। अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर अब तक खाली हाथ बैठे अतिथि शिक्षक अब निराश हो चुके हैं। उनका कहना है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने हमारा राजनीतिक इस्तेमाल किया है, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं किया। ऐसे में अगर आने वाले 5 दिनों में अतिथि शिक्षकों की मांगे नहीं मानी जाती है तो स्कूल अतिथि शिक्षक राजधानी भोपाल में अपनी पीड़ा को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ऐसा बताइए, आज अतिथि शिक्षक संघ द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया गया है, और विरोध प्रदर्शन का एक अनोखा तरीका आप लोगों द्वारा इख्तियार किया गया है, जिसमें झाड़ू भी आपके हाथ में है। क्या जताना चाहते हैं और क्या मांग आप सरकार से कर रहे हैं? सर, बहुत दुख के साथ कहने में आ रहा है, विगत 14 वर्षों तक हमारे अतिथि शिक्षक अल्प वेतनमान, काफ़ी शोषण हुआ है। उसके बाद भी सभी छोटे छोटे गाँव बड़े शहरों में अतिथि शिक्षक सेवा देते आ रहे हैं, और आज हमारा अतिथि शिक्षक रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गया है, क्योंकि शासन ने अभी जो शिक्षकों की भर्ती निकाली है उसमें हमारे 12,000 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए सर। और आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 52 जिला अध्यक्षों द्वारा ज्ञापन अल्टीमेटम दिया गया 5 दिन के लिए, अगर हमारा निराकरण नहीं होता है तो 5 दिन के बाद हम राजधानी में अपना डेरा डालेंगे, और वो समस्त जिम्मेदारी सर शासन प्रशासन की होगी। इस बात की मांग आप लोगों ने ज्ञापन में करी है? सर, हमारी मांग ये है कि अचानक कोई सूचना दी है, किसी व्यक्ति को बाहर किया जाता है कि कल से आप स्कूल नहीं आए, तो उसके ऊपर कितनी पीड़ा होती है सर। जो 14 वर्ष तक अल्प वेतनमान, जो कि सर 2,000-2,500 रुपये में वो अपना गुजारा कर रहा था, वो भी समय पर नहीं मिलता है सर। कम से कम हमारे लोगों को 2-2, 3-3 महीने तक सैलरी नहीं मिलती है सर। बहुत प्रताड़ित लोग हैं सर। शायद ही मेरे को लग रहा होगा कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसा गरीब वर्ग होगा, वो है सर अतिथि शिक्षक, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं। और जब भी हम मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय से मिलने जाते हैं तो हमको आश्वासन देते हैं वो कि आपका होगा, आप सब्र कीजिए। तो सर हमारा जो कि 14 वर्ष हो गए सर, हमको बिल्कुल सांत्वना झेलते झेलते सर आज हम इतने दुखी हो गए सर कि आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 100 से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों ने सर आत्महत्या कर ली है सर। बहुत दुख होता है ये कहने में, क्योंकि आज उन लोगों के सर रोजी रोटी के लिए छोटे बच्चे सर घर जाके क्या जवाब दे सर, जो बिल्कुल व्यक्ति बेरोजगार हो गया। तो कितने अतिथि शिक्षक संघ हैं जिनको निकाला गया है? सर बोल रहा हूँ ना, 50% हो गया सर, वर्ग 1 और 2 की भर्ती हुई हमारे 50% लोगों को सर घर पर बिठा दिया गया है। आज वो बोला गया, मतलब निकालने बोला ही नहीं कि कल से आप बंद हो जाओ, आपकी जगह भर्ती हो गई है, बिना सूचना किए कि कल आपको आना ही नहीं है। स्कूल जाते हैं, मना कर देते हैं कि आपको स्कूल बंद। क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी अतिथि इस भर्ती में बाहर हुए, हम इस भर्ती का कोई विरोध नहीं कर रहे सर, होना चाहिए, लेकिन हमारी जो मांग है, शासन ने भी बोला था कि आपकी मांग हम पूरी करेंगे, आप लगे रहो, आपके लिए भविष्य उज्जवल है सर। वो ये कौन सा भविष्य अचानक हमको बाहर कर देते सर। 5 दिन का जो अल्टीमेटम दिया उसके बाद क्या होने? उसके बाद तो सर हम भोपाल में पूरे प्रदेश के जिला जितने भी जिले हैं सब एक साथ सर भोपाल कूच करेंगे। टाइम8 मध्य प्रदेश के लिए नीमच से मनोज मीणा की रिपोर्ट।